हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज की वीडियो की शुरुआत फूल से ना करके मैं ये चाइनीज़ ऑरेंज जो इतना बड़ा ट्री लगा हुआ है इससे कर रही हूँ। और देखिए कितने सारे ऑरेंजेस लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपनी सबसे महंगी शॉपिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये की तो मैंने काफ़ी दिन पहले थी, मैंने ये साउथ दिल्ली की एक नर्सरी से मोतीबाग से ये प्लांट्स कुछ मंगवाए थे और मेरी ये आज तक की सबसे महंगी शॉपिंग है। और इसमें एक भी ऐसा कुछ ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। ये हैं मेरे 5 प्लांट्स एग्लोनीमा के, और आजकल ये नर्सरीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है इसकी ये वाली वैरायटी ग्रीन वाली। और इसके 3 प्लांट मैंने यहाँ स्टैंड पे रखे हुए हैं और 2 प्लांट्स इधर रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये मैंने 5 प्लांट खरीदे हैं, लेकिन मैंने काउंट किया तो मेरे पास ये 5 की जगह 9 प्लांट्स हैं। 4 प्लांट फ्री के पड़ गए मुझे। ये देखिए, एक गमले में 2-2 प्लांट लगे हुए हैं और इसमें भी 2 लगे हुए हैं और उधर भी 2-2 प्लांट लगे हुए हैं और एक में 1 लगा हुआ। इस तरह से ये मेरे पास 9 प्लांट्स हो गए हैं। तो इनमें से कुछ तो मैंने अपनी डॉटर को देने हैं, अभी उसने नया मकान बनाया तो उसके लिए मैं उसको ये गिफ्ट करूँगी, और 2-3 प्लांट्स इसमें से उसको पास चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एग्लोनीमा जो प्लांट है ये एरम फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें कि एंथोरियम हो गया और फिलोडेंड्रोन हो गया और मॉन्स्टेरा हो गया, पीस लिली हो गया, तो ये उस फैमिली से बिलोंग करता है। और इसकी बहुत सारी करीब 21 के करीब स्पीशीज होती हैं और ये साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का प्लांट है। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा फ्रॉस्ट होने पे नहीं चल पाता है और इसे वार्म एनवायरनमेंट क्लाइमेट ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा सनलाइट की इसे रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये इनडायरेक्ट सनलाइट में लगाया जाता है। और इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं, लेकिन आउटडोर इसको आपको बहुत ज़्यादा धूप से और फ्रॉस्ट से बचाना पड़ता है। तो जो बेस्ट एग्लोनीमा वेराइटी है वो इसको नर्सरी वाले ने बोला है कि ये बेस्ट एग्लोनीमा वैरायटी है जो कि एयर क्लीनिंग के लिए बेस्ट है। तो मैंने ये 5 प्लांट, हालांकि मैं दूसरे प्लांट मैंने मंगाए थे कि मुझे मिक्स करके सारे प्लांट्स थे, लेकिन उन्होंने मुझे 5 के 5 यही दे दिया और इस टाइम ही मेरे पास 9 प्लांट्स हो गए। और ये देखिए, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये रेड कलर की सॉइल में लगे हुए हैं और ऐसे तो बहुत चिपचिपी तो नहीं है सॉइल, लेकिन ये इस तरह से ही है और शायद इसमें कोकोपीट भी मुझे लग रहा थोड़ी सी मिक्स है। और ये अगर इसको पॉट भी देखें, पॉट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जो शॉपिंग है, मैंने 5 प्लांट्स ये एग्लोनीमा के लिए हैं और 5 ही प्लांट्स मैं आपको भी शो करती हूँ पॉइनसेटिया के हैं। तो ये मुझे टोटल 3500 की ये मेरी शॉपिंग है और ये आज तक की मेरी सबसे महंगी शॉपिंग है। मैं प्लांट्स खरीदती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कटिंग से ज़्यादा तैयार करती हूँ। मैं इनमें भी, इनकी ग्रोथ ज़्यादा होने पे मैं इनको भी कटिंग से और प्लांट्स तैयार करूँगी और गिफ्टिंग के लिए तैयार करूँगी। तो अभी तो काफ़ी प्लांट्स हैं, 9 प्लांट्स हो गए मेरे पास। और मैं आपको पॉइनसेटिया भी दिखाती हूँ, और ये है मेरे पॉइनसेटिया के प्लांट्स, ये 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, ये 5 प्लांट्स। और ये देखिए, ये मेरा रेड वाला पॉइनसेटिया का लिया है, मुझे ये बहुत पसंद है और इसमें पिंक कलर भी आता है और शायद एक ऑफ वाइट भी आता है, मैंने देखा नहीं है। तो ये सारे प्लांट्स मैंने परचेज़ किए हैं और इस प्लांट को तो क्रिसमस के मौके पे कटिंग वगैरह के उससे भी यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्लांट है। और इसकी थोड़ा सा ये डेलिकेट होता है, अगर बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर दी या ऊपर से शॉवरिंग कर दी तो ये ख़राब हो जाता है। मैंने पहले भी कुछ साल पहले लिया था एक प्लांट, लेकिन मैं उसको केयर नहीं कर पा रही थी, गर्मियों में वो एकदम से ख़त्म हो गया, तो तब मेरे पास नहीं चला था। लेकिन इस बारी मैंने इसको 5 प्लांट एक साथ में ख़रीदे हैं और ये एक साथ में रखे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। अभी मैंने थोड़ी सी यहाँ पर अपनी गार्डन की सेटिंग करने की कोशिश की है, थोड़ी सी स्टैंड्स भी लगा दिए हैं, अभी पूरी तरह से नहीं कर पाई हूँ तो थोड़ा सा ही आपको शो कर पाती हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ सारे मैंने स्टैंड पे रख दिए हैं, ये इधर तुलसी माता रखी हुई है और इस तरह से रखे हुए हैं अभी।
और मैं धीरे धीरे डेली कुछ ना कुछ लगे रहती हूँ 2-3 घंटे सुबह। तो ये जो प्लांट है इसको भी ओवर वाटरिंग ही ज़्यादा इसको ख़त्म करती है, तो इसमें पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और वेल ड्रेन सॉइल तो सभी प्लांट्स के लिए चाहिए होती है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसे कम से कम 16-17 घंटे इसको अंधेरा चाहिए होता है तभी अपना कलर अच्छे से दे पाता है। अगर इसे हमेशा ही रात को भी आप ब्राइट लाइट मिलती रही या फिर आर्टिफिशियल लाइट जो होती हैं जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह अगर ये मिलती रहेगी तो ये अपना कलर पूरा नहीं देता, इसके पत्ते रेड नहीं होंगे और इस तरह से ग्रीन ग्रीन रह जाएंगे। तो इसलिए हम इसे 16-17 घंटे और इनको अंधेरा भी चाहिए होता है और दिन में इन्हें ब्राइट लाइट भी चाहिए होती है तभी अपना कलर पूरे अच्छे से दे पाते हैं। और ये सब वैसे फ्लावरिंग भी करते हैं लेकिन इन्हें ये जो इनके ये पत्ते हैं ये ब्रैकेट्स कहलाते हैं, तो ये इनके लिए ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी सबसे महंगी शॉपिंग। वैसे एग्लोनीमा मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे और वैरायटीज भी हैं और वो भी जगह जगह पे रखी हुई हैं, तो या तो वो इंडोर ही रखी हैं या फिर ब्राइट लाइट उनको थोड़ी बहुत मिल जाती है। तो फ्रेंड्स बस इसी तरह से मेरी ये शॉपिंग थी, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।